आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं जो 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होंगे। अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं तो आपको इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। सबसे पहली चीज, आरबीआई ने अनसॉलिसिटेड कार्ड और किसी भी क्रेडिट कार्ड के ऑटो अपग्रेड पर रोक लगा दी है। अनसॉलिसिटेड कार्ड का मतलब होता है ऐसे कार्ड जिनको विदाउट परमिशन इशू किया गया है। पहले क्या होता था कि बैंक जो होते थे वो कस्टमर्स को बिना परमिशन के कार्ड इशू कर देते थे और उनके कार्ड की लिमिट को भी इंक्रीज कर देते थे। लेकिन अब से किसी भी कस्टमर के क्रेडिट कार्ड को इशू करने के लिए या क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करने के लिए कस्टमर की रिटर्न परमिशन लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई भी बैंक अनसॉलिसिटेड कार्ड इशू करती है या किसी भी कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करती है विदाउट परमिशन, तो यहाँ पर आरबीआई ने यह कहा है कि बैंक को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इसके कस्टमर को, और वो पेनल्टी होगी इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट का दुगना। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपग्रेड करना है या किसी भी तरीके का कार्ड को अपग्रेड करना है तो यहाँ पर उस कार्ड होल्डर का रिटर्न कंसेंट लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर रिटर्न पॉसिबल नहीं है तो डिजिटली उनका कंसेंट लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और विदाउट इनके कंसेंट से कोई भी बैंक किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं कर सकता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लोन की रिकवरी के लिए कोई भी बैंक या कोई भी थर्ड पार्टी का एजेंट जो है वो अपने कस्टमर को हरास नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके की गलत बात नहीं कर सकता है। बैंक कस्टमर के ऊपर केस कर सकते हैं लेकिन कस्टमर को अब्यूज नहीं कर सकती, हरास नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आरबीआई ने किसी भी कार्ड होल्डर की सेफ्टी का काफी ज्यादा ध्यान रखा है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप क्रेडिट कार्ड की क्लोजर का रिक्वेस्ट करते हैं तो इस बैंक की रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी कि बैंक जो है उस क्रेडिट कार्ड को 7 डेज के अंदर अंदर बंद करे। पहले क्या होता था कि बैंक वाले जो होते थे इस क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करते थे, और अगर इस क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करते थे तो यहाँ पर बैंक वालों का काफी ज्यादा मुनाफा होता था। तो अगर आपने अपने क्रेडिट ड्यूज को क्लियर कर दिया है, आपके क्रेडिट कार्ड के सारे बिल का पेमेंट कर दिया है आपने और सारे के सारे ईएमआईज को क्लियर कर दिया है, तो आपको यहाँ पर 7 डेज के अंदर अंदर आपका अकाउंट बंद होगा। लेकिन अगर कोई भी बैंक आपके कार्ड के अकाउंट को 7 डेज के अंदर अंदर क्लोज नहीं करता है तो आरबीआई के हिसाब से उस बैंक को 500 पर डे के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। बैंक आपको 500 रुपए पर दिन के हिसाब से पे करेगी। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं, 1 साल 2 साल तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो कार्ड जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते थे तो बैंक्स वाले जो हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करते थे, लेकिन अब से अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं 1 साल तक तो बैंक आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट को क्लोज कर देगा और इसी के साथ साथ उस कार्ड को इनएक्टिव कर देगा। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड लिया है तो इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको ओटीपी एंटर करना पड़ेगा, और अगर आप ओटीपी एंटर करते हो तब से ही आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट होगा। अगर आपके पास कार्ड आता है और आप ओटीपी डालकर उस कार्ड को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट विदिन 30 डेज क्लोज हो जाता है। और इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि जब बैंक वाले हम लोगों को क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हैं तो बहुत बार हम लोगों को क्या कहते थे कि यहाँ पर किसी भी तरीके के हिडन चार्जेस नहीं है, लेकिन किसी भी कार्ड के कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं, कौन कौन से अलग से चार्जेस हम लोगों को पे करने पड़ेंगे, इस चीज का पता तभी लगता था जब हम लोगों के पास बिल आता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, अगर कोई भी हिडन चार्जेस हैं तो बैंक को पहले ही क्लियर करना पड़ेगा कि हमारे कार्ड के दिस चार्जेस हैं। अगर कोई बैंक कहता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड है और इस कार्ड के कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है तो उस कार्ड के कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होंगे। और आज के वीडियो की सबसे आखिरी बात यह है कि जब भी आपके पास अब से क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो इसके साथ साथ एक फैक्ट शीट भी आएगी कि आपके कौन से चार्जेस किस हिसाब से लगे हैं और इसी के साथ साथ आपको कौन कौन से चार्जेस के पेमेंट करने हैं। हर एक चीज़ का डिस्क्लोजर आपको मिल जाएगा इस क्रेडिट कार्ड के बिल के साथ साथ। तो आरबीआई ने जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या फायदे होंगे, आपका ओपिनियन क्या कहता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।